मड़गांव के अंदर नौकरी दी गई 24 लाख रुपए मुआवजा दे गया। मेरे को फॉरेस्ट के 5 लाख रुपए मिले, बाकी 1 रुपया भी नहीं मिला। हम आपको अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर अगर आपने लोगों को मुआवजा नहीं दिया, हाईवे जाम। कांग्रेस के ये नेता झूठी बातें और फालतू का भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इसमें तो आपको सरकार का, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का और गांव वालों का सहयोग करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली ग्राम पंचायत के गांव सुर्खियों में है। छाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर आया हुआ है और 18 तारीख के बाद में वो लगातार रोजाना किसी न किसी का शिकार कर रहा है। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 3 पशुओं का वो शिकार कर चुका है। 22 सितंबर को सुबह पलेवा घाटी के समीप एक पैंथर का शव मिला। अमराराम पुत्र हकराराम गमेती का ये बैल है। अमराराम गमेती ने बताया कि शनिवार सुबह उसका बैल चरने के लिए जंगल में गया था, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। रात को काफी आसपास तलाश की, लेकिन बैल नहीं मिला। सुबह बैल का शव जो है वो पलेवा घाटी के समीप पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उन्होंने सूचना पर सरपंच गणेश गमेती मौके पर पहुंचे, साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहां पर पिंजरा लगाया गया है, साथ ही ट्रैप कैमरा लगाया गया है। रविवार सुबह ये घटना सामने आई थी और इस घटना के सामने आने के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और खासतौर पे वन विभाग की रेस्क्यू टीमों को ये लग रहा था कि पैंथर जो है पलेवा घाटी तक जा चुका है। इसका मतलब अब वो झाड़ोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पलेवा घाटी जो है झाड़ोल और गोगुंदा की सीमा को के बीच में स्थित है, बिल्कुल सीमा पर ये घाटी है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि पैंथर का मूवमेंट जो है अब झाड़ोल की तरफ बढ़ रहा है और वो कहीं झाड़ोल क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन रविवार शाम को ही एक खबर और सामने आई कि छाली ग्राम पंचायत मुख्यालय से, जिस कार्यालय में कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां से महज 4 किलोमीटर दूर बागदड़ा गांव में एक गाय का शिकार पैंथर ने किया। वहां पर जो है भमरा पुत्र रत्ता गमेती के की जो गाय का शिकार पैंथर ने किया है, इससे कयास ये लगाए जा सकते हैं कि या तो यह एक ही पैंथर है जो बहुत लंबी दौड़ कर इस तरीके से हमले कर रहा है, और या फिर यहाँ पर एक से अधिक पैंथर है। इधर पैंथर को पकड़ने के प्रयास जारी है। वन विभाग की टीम, वाइल्ड लाइफ की टीम और आर्मी की टीम, कुल 7 टीमें हैं जो रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है, जंगलों में पैंथर को तलाशने का प्रयास कर रही है। वहीं आर्मी की जो टीम है वो 2 ड्रोन के माध्यम से नजर बनाए हुए हैं, तलाशी के वो भी प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रयास में 3 दूरबीन है, 2 ड्रोन है, वहीं 4 ट्रैंकुलाइजर भी है जो बिल्कुल मुस्तैद है कि जैसे ही पैंथर नजर आए और वो उसको ट्रैंकुलाइज करें। फिलहाल अभी तक किसी को भी पैंथर नजर नहीं आया है। हालांकि 20 तारीख को कुछ लोगों को पैंथर नजर आया था। 2 जगहों पर बात सामने आई थी कि उमरिया में देखा गया और उंडीथल में देखा गया। तो जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर पैंथर है तो टीमें तुरंत वहां पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से खेतों में तलाश किया गया, लेकिन कहीं भी पैंथर नहीं मिला। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग जगहों पर 6 जगहों पर जो है पिंजरे लगाए गए हैं और उनके ऊपर ट्रैप कैमरे भी लगे हुए हैं। 3 टाइम वहां पर जाकर जो है देखा जा रहा है पिंजरे को, साथ ही पिंजरों के ऊपर भी निगरानी बनाने के लिए अलग दल बने हुए हैं। बहरहाल अभी तक जो है पैंथर किसी को भी नजर नहीं आया है। आपको बता दें कि इन टीमों में 60 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं और इन टीमों को अलग अलग जगह पे रुकवाया गया है। ग्राम पंचायत भवन में सरपंच के साथ जो है टीमें वन विभाग की और प्रशासनिक अधिकारी सभी इसके अंदर ठहरे हुए हैं। वहीं छाली के एक स्कूल के अंदर आर्मी की टीम को रुकवाया गया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के सरपंच गणेश लाल खेर पिछले 5 दिनों से लगातार जो है इस गांव से उस गांव में दौड़ रहे हैं। जो विभागों की अलग अलग टीमें आई हुई है उनकी व्यवस्था करने में भी जुटे हुए हैं
उनकी सेवा को गांव के लोग सराह रहे हैं। जो तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की थी, भेवड़िया के खुमाराम थे और तीसरी उमरिया की हमेरी बाई, इन तीनों को मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। गांव के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। वहीं एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने भी जाँच रिपोर्टें बनाई हैं और वन विभाग के अधिकारियों ने भी जो है मुआवजे दिलवाने की जो पूरी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं उसको पूरी करने में जुटे हुए हैं। इधर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के राम सिंह चदाना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री के नाम पर और राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए और इन परिवारों में से एक एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। साथ ही पैंथर को पकड़ कर उसे मार देने की मांग भी की गई है। तो जब ये प्रदर्शन किया गया और 50-50 लाख रुपए परिजनों को देने की मांग की गई, इसी दौरान पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बड़गांव क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई थी पैंथर के हमले से, तो उनको 24 लाख रुपए का मुआवजा कांग्रेस सरकार में दिया था। बड़गांव के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ये तारा दिन जी मीणा कलेक्टर थे, मुआवजा दिया गया, नौकरी दी गई, 24 लाख रुपये मुआवजा दिया गया, 5 लाख रुपये फॉरेस्ट दी गए, बाकी अन्य संस्थाओं से पैसा इकट्ठा करके दिया गया। ये इनके गरीब साहब ऐसा क्यों हुआ? हम आपको अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर 7 दिन के अंदर अगर आपने लोगों को मुआवजा नहीं दिया, ये हाईवे जाम और किस खतरनाक जाम होगा मैं आपको बता देता हूँ। हम जो कहते हैं वो करते हैं, या तो कलेक्ट्री जाम होगी, हाईवे जाम, उसके लिए न्याय होना चाहिए। गरीब के साथ कोई बोले नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। फॉरेस्ट की ड्यूटी बननी थी, 5 लाख रुपये उनका है हाथ, तुरंत प्रभाव पहुँचाने चाहिए, अभी तक उन्होंने नहीं पहुँचा। मांग करते हैं 7 दिन के अंदर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसके बाद में बड़गांव क्षेत्र के जिस व्यक्ति की गत वर्ष पैंथर के हमले से मौत हुई थी उसके पुत्र ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई मुआवजा नहीं मिला है। उसने कहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान वादा तो किया गया लेकिन वो पैसा उनको नहीं मिला, उन्हें केवल वन विभाग की ओर से जो 5 लाख का मुआवजा मिलता है वो मिला है। मैं रूप सिंह पिता फतेह सिंह जाति राजपूत गाँव पाली का रहने वाला हूँ। 8 अप्रैल 2023 को मेरे पापा को पैंथर के अटैक में मृत्यु हो गई थी। तो 9 तारीख को मोजरी में इकट्ठे हो गए थे गांव समाज ने, 22 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया था गवर्नमेंट ने। मेरे को फॉरेस्ट के 5 लाख रुपए मिले, बाकी 1 रुपया भी नहीं मिला। और कोऑपरेटिव बैंक में पापा जो लोन था उसमें फसल ऋण का बीमा लेते थे, उसमें 300 रुपये साल के करते थे, 10 लाख रुपये मिले। और प्रशासन ने 22 लाख का मुआवजा तय किया था, संविदा पे नौकरी देने के लिए बोला था। उसके बाद में कलेक्टर ताराचंद जी को लिखित में भी दिया था, भाई ऑनलाइन चिरंजीवी का भाई नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा था, आप ऑफलाइन भी करवाएं, उसी पे किसी ने ध्यान दिया। आज दिन तक गवर्नमेंट के चक्कर काटते रह रहा हूँ मैं। देर शाम को उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने वन विभाग से मिलने वाले मुआवजे के अतिरिक्त उस पीड़ित परिवार की कोई सहायता नहीं की। आज गोगुंदा उपखंड मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के ये नेता ये जाकर और वहाँ पर झूठी बातें और फालतू का भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें तो आपको सरकार का, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का और गांव वालों का सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि नेगेटिव राजनीति करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हमने 24 लाख रुपए का मुआवजा दिया, हमने सरकारी नौकरी दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी जो डेथ हुई थी पालड़ी के अंदर बड़गांव की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी उस समय उनके घर पर बैठने के लिए गया था। जो फतेह सिंह जी की डेथ हुई उनको मात्र और मात्र अशोक गहलोत साहब की सरकार में 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला वन विभाग से। दूसरा, जो उनके अंदर कोऑपरेटिव में जो उनका बीमा था उसके माध्यम से उनको 10 लाख रुपए मिले, परंतु वन विभाग और अशोक गहलोत साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा ही उनको दिया। उसके बाद में मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। ग्राम पंचायत मोड़ी की काकन का गुड़ा की एक घटना है, जिसमें नवली बाई जो 60 साल की थी और उस पर भी पैंथर ने हमला किया, उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। उसका जो बच्चा हीरालाल वो उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार से हमेशा गुहार लगाता रहा कि हमें मुआवजा दो, परंतु 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। ये नेता आज पूरे दिन यहाँ पर उपखंड कार्यालय के बाहर यहाँ पर झूठी बातें और झूठी अफवाह फैला रहे हैं। नेता का दिल नहीं जीत सकते हो। अगर आपको कुछ करना था तो परिजनों से मिलते, ग्रामीणों से मिलते और जो सरकार का जो सहयोग हो सकता था
आपसे जो सहयोग बन सकता था वो सहयोग करते, न कि यहाँ पर झूठी झूठी बातें करते।